आपने अभी बोला कि इतना फीस हाई बोल रहा है, इतना क्वेश्चन फीस, और एमलन आपका 4,000 रुपए ले रहे मतलब ये तो मेरे पेरेंट्स के साथ जबरदस्ती बात हो गई कि ये बाद में तुम रूल बता रहे हो कि 50% पे करना पड़ेगा, ये एलसी से पहले बताना चाहिए था ना। और दूसरी चीज, एज ए पेरेंट पिकनिक भेजना या नहीं भेजना वो हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम भेजे या नहीं भेजे। स्कूल मैनेजमेंट कौन होता है पिकनिक पे भेजने के लिए? बॉन्डर इंडिया टीवी इसम है भाईंदर पश्चिम नाराना हाई स्कूल में, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों के यहाँ पे पेरेंट्स आए हुए हैं और इनकी शिकायत है कि इस स्कूल में जो जबरदस्ती हो रही है फीस को लेके और एनुअल डे को लेके, ड्रेस को लेके, बुक को लेके, और यहाँ पे एक नया एप्लीकेशन स्कूल वालों ने चालू किया जिसका ये चार्जेस ले रहे हैं 4,000। इनका कहना है कि बाकी स्कूल में भी चालू है, कहीं 600 कहीं 1,000 रुपया, लेकिन ये अपनी मनमानी कर रहे हैं और सभी पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि आपको ये कंपलसरी है भरना। दूसरी बात ड्रेस को लेके, अगर यहाँ पे ड्रेस 7,000 में मिल रहा है, बाहर वही ड्रेस 3,000 में मिल रहा है, लेकिन यहाँ के जो स्कूल के जो मैनेजमेंट है उनका कहना है कि आपको स्कूल से ही ड्रेस लेना पड़ेगा, आपको बुक यहीं से लेना पड़ेगा और एनुअल डे और पिकनिक का फीस आपको स्टार्टिंग में ही भरना पड़ेगा। और इन सभी पेरेंट्स का ऐसा मांग है कि जब एनुअल डे रहेगा, जब पिकनिक जाना रहेगा, हम तो वो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन आप अभी से ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना ज़्यादा फीस क्यों ले रहे हैं? कहीं ना कहीं इन पेरेंट्स के ऊपर उस पैसे का ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, जिसकी वजह से ये परेशान होकर आज यहाँ मैनेजमेंट से मिलने आए थे, लेकिन यहाँ पे आज प्रिंसिपल या मैनेजमेंट यहाँ पे कोई नहीं था और इन्होंने कहा है कि हमें जल्द से जल्द मैनेजमेंट या प्रिंसिपल से मीटिंग करा के दीजिए। और इतनी बड़ी यहाँ पे भारी मात्रा में यहाँ पेरेंट्स आए थे कि भाईंदर पेश के पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे आई थी कि किसी पर कोई दुर्घटना ना हो। और जिस तरह से आप देख सकते हैं अभी भी पुलिस प्रशासन यहाँ पे खड़ी है और उनका कहना है कि आप यहाँ पे गर्दी ना कीजिए और आपका जो भी मसला है प्रिंसिपल से और ट्रस्टी से मिलकर अपना जो भी प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व कीजिए। आइए बात करते हैं कुछ यहाँ पे। हम लोग 10 दिन से, हम लोग पीटीए मेंबर्स है, हम 10 दिन से मीटिंग मांग रहे हैं प्रिंसिपल मैम के पास से। प्रिंसिपल मैम ने एक बार भी हमको जवाब नहीं दिया। आज इतना क्राउड जमा हुआ है, बकायदा 10 मिनट पहले प्रिंसिपल मैम अंदर थे, 10 मिनट में कहाँ गायब हो गए वो। हमने उनको सोल्यूशन दिया था कि एक मीटिंग लाइए ताकि हम लोग ये सब रिजोल्व कर सके। 5% फीस हाइक हमको चल रहा था, हमने वो भी मैनेज किया कि चलो हम वो भी कर लेंगे। उसके अलावा वो कॉशन मनी बढ़ा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म कंपलसरी कर दीजिए, यहाँ पे आपको कॉशन मनी कंपलसरी करना पड़ेगा, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए हमने मीटिंग मांगी थी। क्या हो रहा है कि मैं पेरेंट टीचर एसोसिएट हूँ, ठीक है, ऐसे हमारी टीम के हर क्लास के लोग हैं और हमारे साथ ये डिस्कशन हुआ था कि हम लोग 5% फी हाइक करेंगे, प्रोवाइडेड कि स्कूल जो है प्लेग्राउंड रखे, कैफेटेरिया रखे, मेडिकल फैसिलिटी जो स्कूल में नहीं है वो करे, ये सब फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करे। स्कूल ने फीस लागू कर दिया है बिना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस और हमको कोई अपडेट नहीं आया, ये तो रही एक बात। नाउ चूंकि 5% फीस के लिए पीटी एग्री किए थे, पेरेंट्स हमको क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकेंडली इसके अलावा उन्होंने उनका जो स्कूल का एप्लीकेशन है उसका 4,000 रुपए एडिशनल चार्ज कर रहे हैं, जो बाकी स्कूल के लिए फ्री है। दूसरा उन्होंने एडिशनली जो फीस स्ट्रक्चर में कॉशन मनी होता ही है उसके अलावा एडिशनली कॉशन मनी चार्ज कर रहे हैं 4,000 रुपए, विच इज अगेन एडिंग टू द फीस। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, ऑलरेडी स्कूल यूनिफॉर्म चल रहा था, स्कूल इतने सालों से नया स्कूल यूनिफॉर्म लॉन्च किया बाई फोर्स एंड आस्किंग अस टू बाई फ्रॉम देम and they are not allowing us to buy school dress outside. They are selling school dress for 600, 7,000 rupees, 6,000, 7,000 rupees. और ये बाहर में 1,800 रुपए में 2,000 रुपए में अपने कलेज को हम तरीके से सॉल्व किया जा सकता था, प्रिंसिपल खुद मीट करके, and they have avoided like selling clothes from internal rather than going for outside. जो 7,000 रुपए का ये लोग ड्रेस बेच रहे हैं बच्चों का, जो बाहर की 1,800 रुपए में मिल जाता है आपको, और दे आर सेलिंग कंपलसरी, जबकि लॉ बोलता है कि स्कूल कपड़े नहीं सेल कर सकता बच्चों के, फिर भी ये बेच रहे हैं एंड दे आर गेटिंग द पिकनिक मनी एज वेल, जो कि अलाउड ही नहीं है किसी भी स्कूल को कलेक्ट करने के लिए, फिर भी वो स्कूल कलेक्ट कर रहा है। दे हैव डेवलप्ड द सॉफ्टवेयर व्हिच इज दे आर फोर्सिंग टू द पेरेंट्स कि आपको जबरदस्ती ये सॉफ्टवेयर लेना होगा, जबकि ये स्कूल का साइड है। दे हैवंट टेकन एनी कंसीडरेशन फ्रॉम द पेरेंट्स कि भाई आपको पेरेंट्स से पूछना चाहिए, कितने पेरेंट्स एग्री रहे नहीं है, उसका कॉस्टिंग क्या है, कितना इशू है, वो है यूनिफॉर्म। एज पर CBSE कोई भी स्कूल इम्पोज नहीं कर सकते यूनिफॉर्म खरीदने के लिए स्कूल से,
और यहाँ पे क्लास टेंथ की यूनिफॉर्म फीस ओलम्पियाड के लिए 10,000 है। अभी जो बच्चा अगले साल टेंथ दे के निकल जाएगा वो 10,000 की यूनिफॉर्म क्यों लेगा? और दूसरी चीज़, इन्होंने टेक्नो स्कूल है, इन्होंने एक ऐप क्रिएट किया है अपने सुविधा के लिए और उस ऐप के हर पेरेंट से 3,000 चार्ज कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया इनके स्कूल से तो इतने सारे ऐप, मतलब कोई भी ऐप को डेवलप करने में इतना अमाउंट नहीं लगता है। यदि इन्होंने मिनिमल 200-300 रखा होता तो हर पेरेंट एग्री होता, बट 3,000-4,000 बहुत ज़्यादा। तीसरी चीज़, ये कॉशन मनी मांग रहे 4,000 एडवांस में, किस चीज़ के लिए भाई? पूरे साल में कभी पिकनिक हुई या कभी एनुअल फंक्शन हुआ तो वो पेरेंट्स की चॉइस होनी चाहिए, स्कूल इम्पोज नहीं कर सकती, फोर्स नहीं कर सकती सबसे 4,000 एडवांस में लेना। तो ये तीन मेजर इशूज़ हैं। फी हाइक पेरेंट्स बहुत सारे ने एग्री किया कि ठीक है 5%, बट उसके बदले उन्होंने जो प्रॉमिस किया, ये प्लेग्राउंड मिलेगा आपको, न्यू बिल्डिंग बन रही है, वो सारे प्रॉमिसेस अभी तक हमें फुलफ़िल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो मेजरली ये तीन इश्यूज़ हैं। और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि ये पीजे आप नहीं दोगे ये पैसे तो आपको किताबें नहीं मिलेंगी। 1 अप्रैल से इनकी स्कूल चालू हो रही है, बिना किताबों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो ये सारे मेजर इश्यूज़ हैं। मुलाकात अभी हुई करेंटली तो वो जो मेन इनके अथॉरिटी हो तो मिली ही नहीं, वो बोल रहे हैं कि हम ट्यूसडे को मिलेंगे, जबकि वो स्कूल आए थे बट उनको पता था कि हम सब आए इसलिए वो चले गए हैं। सेकेंडली, अब आप लोग सोचेंगे कि इतना लेट पेरेंट्स क्यों जगे, पीटीए मेंबर्स इतना लेट क्यों जगे? हम लोग कंटिन्यूसली जनवरी से उनसे फॉलोअप करें, मीटिंग रखिए मैम, मीटिंग रखिए मैम, मीटिंग रखिए, उन्होंने नहीं रखा। अब आज लास्ट डे ऑफ स्कूल है और 1 अप्रैल से सीधा न्यू सेशन चालू होगा, तो पेरेंट्स का बहुत प्रेशर आ रहा है पीटीए मेंबर्स पे कि आपने साइन क्यों किया। उन्होंने पेरेंट्स को बोला आपके पीटीए ने साइन किया, बल्कि पीटीए ने साइन नहीं किया है। तो ये सबसे बड़ा इशू है कि हम पे प्रेशर आ रहा है आपने क्यों साइन किया। अब हमने किया ही नहीं है तो मतलब अगर फ्यूचर में एनुअल फंक्शन होगा या पिकनिक होगा, आप एडवांस में क्यों ले रहे हो? पेरेंट्स के पास पैसे पड़े हुए नहीं है और आप उस पे इंटरेस्ट कमा रहे हो, मतलब आप आपका मतलब ये एजुकेशन नहीं लग रहा है, बेसिक नहीं लग रहा है, इट्स प्योरली बिजनेस, दिस इज प्योरली बिजनेस। हम लोग पेरेंट्स लोग इतना फीस भर रहे हैं और टीचर्स आर नॉट अप टू द मार्क, टीचर्स में इतने गलतियां करते हैं पढ़ाने में। हम लोग, मैं करेक्शन करती हूँ मेरे बच्चे का बुक का, तो मैं इतना फीस भर के क्यों भेजूं? बिल्कुल विरोध नहीं करना चाहते थे, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता एज ए पेरेंट होने के नाते, बट हमको आना पड़ा क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट हमारी सुनता नहीं है। बहुत बार हमने ट्राई किया, जैसे हमको रिजल्ट आता है बच्चों का, पीटीएम मीटिंग में बुलाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उस दिन प्रिंसिपल को अवेलेबल होना चाहिए ना। हमको कुछ पेरेंट्स को प्रॉब्लम आता है तो वो कभी मिलने को रेडी नहीं होती है, जैसे आज भी प्रिंसिपल मैम को होना चाहिए था बट बोल रहे हैं मैनेजमेंट है ही नहीं, वो चली गई, क्यों चली गई है? हमेशा क्यों प्रॉब्लम से भागते हैं? पेरेंट्स जब फीस इतना पे कर रहे हो तो सामने आना चाहिए ना, उनको सामने आके उनको प्रॉब्लम सोल्व करना चाहिए, पहले उनको ही प्रॉब्लम सोल्व करना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? मीडिया और ये सब पेरेंट्स को क्लेप करने की तो बात ही नहीं है, अगर वही प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे तो हम क्यों इधर इकट्ठा होंगे क्लेप होने का? नमस्कार, एक्चुअली मैं यहाँ पे एक पेरेंट्स का अभिभावक हूँ और यहाँ पे हम लोगों ने एक आग्रह किया था स्कूल के साथ कि जो अभी की जो फीस बढ़ी है इस साल वो थोड़ा उसको कम किया जाए। उसमें बहुत सारी फीस ऐसी हैं जैसे कि स्कूल की यूनिफॉर्म की फीस और एक एन लर्न का ऐप का जो पैसा है उन्होंने बढ़ा दिया। दूसरा, उन्होंने 4,000 रुपये का उन्होंने सब एडवांस करके हमसे पैसा लिया है, जिसको ये लोग अपनी स्कूल की जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि एनुअल फंक्शन है या कोई और पिकनिक है उसके लिए लिया है, लेकिन इन्होंने सब एक साथ ही पैसा ले लिया, जिससे क्या पेरेंट्स पे बर्डन आ गए हैं और वो फीस हर साल बढ़ती जा रही है। इसके लिए ये प्रोटेस्ट किया गया था, प्रोटेस्ट बड़ा ही शांतिपूर्ण रहा और शांतिपूर्वक से उसको समाप्त करने की कोशिश की। हमने प्रिंसिपल से मिलने की मांग की, लेकिन प्रिंसिपल या स्कूल का कोई भी मैनेजमेंट उससे मिलने के लिए हमको इनकार कर रहे हैं।